हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घरौंदा। आज घरौंदा का इंट्रोडक्शन किचन से हो रहा है, बिकॉज आज है दो चीज घर में हो रही है। वो है, एक तो आज की स्पेशलिटी है बचपारस। बचपारस का मतलब मैं बाद में समझाऊंगी आपको। एक बचपारस है और आज है हमारे लल्ला की छठी। लल्ला मतलब कौन? श्री कृष्णा। हाँ, हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो 6 दिन होते हैं, तो वहाँ उस दिन श्री कृष्णा की छठी का प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम इन द सेंस भगवान को अच्छा अच्छा बनाकर भोग लगाते हैं, उनको झुलाते हैं, फिर पालने से निकालकर उनके सिंहासन मतलब उनकी जगह पर उनको विराजमान करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा छठी का प्रोग्राम। और एक चीज है जो कि आज है बचपारस, जो कि गायों का दिन है, गाय बछड़ों का दिन है। तो देखिए, सबसे पहले मैं उठी, नहाई धोई, तैयार हुई और गई गाय गौ माता की पूजा करने। तो आप लोग जाइए, पूजा कैसी हुई है वो सब देखकर आइए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अंदर घर लापर और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गौ माता और उसके बछड़े की पूजा कर रही हूँ। पाड़ा नहीं, गौ माता के बछड़े की पूजा की जाती है जोड़ी से। और यहीं से मैं इनका गोबर ले जाऊँगी और घर के सामने गोबर का कुआं बनाऊँगी, मतलब ऐसे राउंड, आगे आप वीडियो में देखोगे वैसे कुआं बनाकर मैं उसकी पूजा करूँगी। एक्चुअली इसकी अलग ही कहानी है फ्रेंड्स। एक गाँव में एक साहूकार था, उनके गाँव में बिल्कुल सूखा पड़ चुका था, पानी बिल्कुल नहीं था। तो साहूकार जी ने कुआं खुदवाया, बहुत बड़ा कुआं खुदवाया, तो भी उसमें पानी नहीं आया। तो साहूकार जी ने एक बड़े से ऋषि मुनि से पूछा कि मैंने इतने बड़ा कुआं खुदवाया अपने गांव में, तो भी पानी क्यों नहीं आया। तो ऋषि ने कहा कि आपके पोते की बलि दोगे तो कुआं में पानी हमेशा के लिए आ जाएगा। ये सुनकर साहूकार जी बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि ये कैसी बात हुई, ये कैसे मैं कर सकता हूँ।
बट फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो अगर मैं इसे कर भी दिया तो मेरे गांव वालों को तो आसानी हो जाएगी, मतलब गांव वालों के लिए तो आरामी हो जाएगी हमेशा के लिए। ये सोचकर उन्होंने एक दिन अपने बहू को पीहर भेजा राखी के त्यौहार पर और तीज के त्यौहार के लिए, और अपने पोतों को रोक लिया और बहू चले गई अपने पीहर। और एक दिन ऐसे ही साहूकार जी तो अपने पोतों को लेके गए अपने कुएं के पास, और दो पोतों में से एक पोता बच्छराज और हंसराज था दोनों का नाम। तो बच्छराज को उन्होंने कुएं में ढकेल दिया, और जैसे ही उन्होंने कुएं में ढकला अपने पोते को, वहीं पर से पानी बहुत उबर उबर कर आने लगा। और बहुत दिन हो गए, बहुत साहूकार जी को बहुत बुरा लगा, सोचने लगे कि मैं बहू को क्या कहूँगा। तो बहुत दिन हो गए, और बच बारस वाले दिन बहू ने सोचा कि बहुत दिन हो गए अब मुझे जाना चाहिए अपने ससुराल। और बच बारस वाले दिन ही बहू निकल पड़ी अपने पीहर से ससुराल आने के लिए। और बीच में जैसे ही वो अपने गांव पहुंचती है, वो कुआं देखती है और कुएं में इतना सारा पानी देखकर वो बहुत खुश होती है और सोचती है कि मैं यहीं पर नहा धोकर और यहीं पर बच बारस की गौ माता की पूजा कर लूँगी। उतने में सास आती है कुएं के पास, देखती है अपने बहू को और बहू पूछती है कि माँ मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो सास कुएं के पास ही ठहर कर कहती है आओ, मतलब कुएं के पास लड्डू रख कर कहती है कि आओ बच्छराज और हंसराज अपना लड्डू उठाओ। इतना कहने पर ही अंदर से बच्छराज, जो साहूकार जी ने अपने पोते को बलि दी थी, वही पोता अंदर से मिट्टी में लिपटा हुआ बाहर आता है, और बाहर आकर वो लड्डू उठाता है कुएं के पास से। तो उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर ऐसे निभाते हैं, जैसे भगवान ने उनको रक्षा की, वैसे ही हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों की भी ऐसी रक्षा करें भगवान। सासू माँ यही कहती है, अगर भगवान मैंने सत है, भगवान मैं सत हूँ और मैं दिल से आपकी पूजा की हूँ, तो प्लीज़ मेरे पोते को वापस दे देना। और भगवान ने उनकी लाज रख ली। तो ये है बच बारस की कहानी। और उस दिन से सभी माएँ अपने मतलब जिसको भी लड़का होता है, सभी माएँ कंपल्सरी ये पूजा करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बच बारस की थी ये कहानी। लेकर आए ना, कैसी थी पूजा, अच्छी लगी आपको? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और तो ये देखिए, तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ भोग की। एक्चुअली बच बारस वाले दिन हम लोग कोई भी चीज को कट नहीं करते हैं, चाकू को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो बताओ मैं लल्ला को कैसा भोग लगाऊं, क्या भोग लगाऊं बोलो? बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच बारस है, वहां पर कोई भी चीज को कट करना नहीं होता है, चाकू से कोई भी चीज हम कट करके नहीं खाते हैं। और धान मतलब जो भी अनाज को हम इसे काट कर हार्वेस्ट करते हैं ना, वो भी धान अनाज हम लोग नहीं खाते हैं। सिर्फ जो जमीन के अंदर जो उगता है, मतलब जिसको काटने हार्वेस्टिंग की जरूरत, काट कर हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वैसा अनाज हम लोग खाते हैं। तो देखिए लला को भी भोग लगाना है और गौ माता का भी पालन करना है, तो उस हिसाब से मैं सोची हूँ कि लला के लिए भोग बनाऊंगी। कढ़ी, खीर, पूरी, आलू की सब्जी। ये देखिए आलू को मैंने ऑलरेडी बॉईल कर चुका है, बॉईल करके रख ली हूँ। अब इसको कट कैसे करूँगी ये देखिए, बस ऐसे रफली मैं इसको चॉप कर दूंगी, हो गए हमारे पीसेस। और इसको मैं दही डालकर छोक दूंगी, क्या करूं, दोनों को बैलेंस करते हुए हमको काम करना होता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है हम लोग को कि दो तीन चीजें साथ में हो जाती है, तो सबका ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता है। तो ये देखिए बच पारस हो गया, और लल्ला को भी अच्छे से भोग लग जाएगा। और लल्ला के लिए मैं बना रही हूँ खीर, पूरी, कढ़ी, चावल और आलू दही की सब्जी और मोठ की सब्जी। और हम लोग कोई भी गेहूं की चीज़ नहीं खाते हैं, तो मेरे लिए मैं बनाऊंगी मोठ की सब्जी। ये है मोठ जिसको मैं रात में भिगोकर रख दी थी, और इसी को हम पूजा में लेते हैं। देखे है ना, पूजा में इसकी बहुत महत्ता होती है। और
पूरी तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा उद्यापन हो चुका है, तो हम लोग चावल खा सकते हैं। एक बार जिसका भी उद्यापन हो जाता है बचपारस का, तो वो लोग चावल और खा सकते हैं। बस मैं गेहूं नहीं खाती हूँ। और जिसको भी लड़के होते हैं, लड़के एक भी, चाहे एक भी लड़का हो, तो वो माए इस व्रत को करती है, इस त्योहार को मनाती है। और तो देखिए यहाँ पर ये सब बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मेरा घर ओंदा। आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब। बाय।